सुप्रभात। तो कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज हम गणित का 15वां पाठ पढ़ते हैं, जिसका विषय है कितनी चोटी है। नाम में अक्षर, रमेश, आफताब, मारिया, संतोष। अपने दोस्तों से कहो कि वह अपना नाम एक पन्ने पर लिखे। पता करो एक ही अक्षर से समाप्त होने वाले नामों की संख्या। उदाहरण की तौर ले लेते हैं, जैसे राम और श्याम। राम और श्याम ऐसे नाम है जिसके आखिर में जो अक्षर वो बराबर आ रहा है, जो कि माँ। तो हम इन दोनों को दो संख्या देंगे, परंतु ये उदाहरण की तौर पर है। आपको ऐसे ही नाम चुनने हैं जो आपके दोस्तों में है। अगला प्रश्न देखिए। ऐसा अक्षर जिससे कोई नाम शुरू नहीं होता। आपको यहाँ पर ऐसा अक्षर लिखना है जिससे कोई नाम शुरू नहीं होता है। और तीसरा प्रश्न है, एक ही अक्षर से शुरू होने वाले नामों की संख्या, जैसे आनंद, अनुराग, अनुज। तो आपको अ अक्षर से तीन नाम बन गए। तो ऐसे ही आपको अक्षर ढूंढने हैं जिनसे बहुत नामों की संख्या हो, और उसी संख्या के उदाहरण पे आपको यहाँ पर लिखना है। अब आगे चलते हैं। फल वाला, फल वाले के पास तुम्हारे लिए बहुत से फल हैं। देखो और पता करो कि उसके पास कौन कौन से फल हैं। तो आइए अगले पन्ने पर चलते हैं। गिनो और लिखो। फल, पहला फल है सेब। बताइए कितने सेब हैं? चार सेब हैं। फिर है केले, बताइए कितने केले हैं? पांच केले हैं। अब बताइए कितने नारंगी हैं? तीन नारंगी है, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं। केश सजा। माला स्कूल जा रही है, उसकी माँ ने उसके बाल बनाए हैं। माला की दो चोटी है। अपनी कक्षा के बच्चे को ध्यान से देखो, सभी बच्चे अपने बाल अलग अलग तरीके से बनाते हैं। ध्यान से देखो और लिखो। केश सजा और बच्चों की संख्या। आपको अपने कक्षा के बच्चों को ध्यान से देखना है और उनके केश सजा, मतलब उन्होंने कैसे बाल बना रखे हैं, उन बच्चों की संख्या आपको गिननी है और उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर जवाब लिखने हैं। जैसे कितने बच्चों ने चुटिया बना रखी है, दूसरे देखो देखेंगे कितने बच्चों ने दो चुटिया बना रखी है, और किन बच्चों के बाल छोटे हैं जैसे इस लड़के के चित्र में दिखाए दिए हैं। उन्हीं के हिसाब से आपको वो गिनना है और उन बच्चों की संख्या इस पीले बॉक्स में लिखनी है। अब इसी के ऊपर हम आगे चलते हैं। पता करो और खाली स्थान भरो। ये जो लड़की का चिन्ह है जिसने एक चुटिया बना रखी है, उस तरीके के बालों वाले बच्चों की संख्या और दो चोटी वाले बच्चों से कम है या ज्यादा है, ये आपको टेबल के हिसाब से भरना है। और फिर ख प्रश्न में देखेंगे कि ये वाले बच्चों के बाल कितने हैं, यहाँ पर आपको संख्या लिखनी है। ये आपका कक्षा का अभ्यास कार्य है। अब आगे चलते हैं। जूते का नंबर। अपनी कक्षा के बच्चों के पैर देखो, सब ने जूते, चप्पल या सैंडल पहने हुए हैं। जूतों या चप्पलों का तला देखो, तलों पर एक नंबर होता है, ये तुम्हारे जूते का नाप है। इस तालिका को भरो। जूते का नाप, बच्चों की संख्या। तो आपको ये देखना है कि 9 नंबर का जूता कौन पहनता है, उन बच्चों की संख्या लिखनी है। फिर 10 नंबर का जूता कौन पहनता है,
उन बच्चों की संख्या लिखनी है, 11 नंबर का जूते का नाप या जूता कौन पहनता है, फिर उसी के सामने आपको बच्चे की संख्या लिखनी है। जब ये टेबल पूरा हो जाए तो आप आगे चलेंगे। पता लगाओ कितने बच्चों के जूते का नाप 9 नंबर है। यहाँ पर आप बच्चों की संख्या लिख देंगे, 11 नाप वाले जूते कितने बच्चों के हैं। अधिकतर बच्चों के जूतों का नाप यहाँ पर लिखिए और नाप के जूते सबसे कम बच्चों के पास कितने हैं यहाँ पर आपको लिखना है। ये दोबारा आपका कक्षा का अभ्यास कार्य है जो आपको अपने कक्षा के मित्रों के साथ या बच्चों के साथ करना है। अब आगे चलते हैं। पीने का पानी। हम रोज पानी पीते हैं। अपने दोस्तों से पूछो कि वे एक दिन में कितने गिलास पानी पीते हैं और नीचे लिखो कितने गिलास पानी। आपको ये प्रश्न अपने दोस्तों से पूछना है और फिर उसी के आधार पर आपको जवाब लिखना है। जैसे एक गिलास का पानी कितने बच्चे पीते हैं पूरे दिन में, 2 गिलास का पानी कितने बच्चे पीते हैं, ऐसे ही करके आपको 3 गिलास का पानी, 4 और 5 गिलास के पानी कितने बच्चे पीते हैं, उन बच्चों की संख्या आपको इस तालिका या टेबल में लिखनी है। उसी के आधार पर आपको आगे के प्रश्न करने हैं। पता लगाओ 1 गिलास पानी पीने वाले बच्चों की संख्या कितनी है। ऐसे ही आपको दूसरा प्रश्न करना है कि 5 गिलास पानी कितने बच्चे पीते हैं। फिर आगे 3 गिलास पानी पीने वाले बच्चों की संख्या 2 गिलास पानी पीने वाले बच्चों से कम है या फिर ज्यादा। यह भी आपका कक्षा का अभ्यास कार्य हुआ जो आपको अपने कक्षा के मित्रों के साथ करना है। अब आगे चलते हैं। तुम्हारे मनपसंद रंग। तुम्हारे चारों ओर बहुत सारे रंग हैं। अपने दोस्तों से पूछो कि उन्हें कौन सा रंग सबसे ज्यादा पसंद है। कितने बच्चों को पीला रंग पसंद है, उनकी संख्या नीचे दी गई तालिका में लिखो। इस तरह तालिका को दूसरे रंगों के लिए पूरा करो। आपको फिर ये अपने कक्षा के बच्चों से पूछना है कि उनको पीला रंग कितने बच्चों को पसंद है, ऐसे ही लाल रंग कितने बच्चों को पसंद है, नीला और हरा रंग कितने बच्चों को पसंद है। उन्हीं के आधार पर आपको बच्चों की संख्या लिखनी है। फिर आपको दिए गए प्रश्न उस तालिका के हिसाब से भरने हैं। जैसे ज्यादातर बच्चों को कौन सा रंग पसंद है, पीला, लाल, नीला या हरा। फिर दूसरा प्रश्न, रंग पसंद करने वाले बच्चों की संख्या रंग पसंद करने वाले बच्चों से अधिक है। यहाँ पर भी आपको रंग भरने हैं और बताना है रंग पसंद करने वाले बच्चों की संख्या रंग पसंद करने वाले बच्चों से कम है। यह भी आपको इस तालिका के हिसाब से भरना है। तो आशा है कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।